नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जीशान जावेद आपके साथ। नजर डालते हैं अभी की ताजा तरीन खबरों पर। 100 रुपए के विवाद में जहां 2 जानें ली, वहीं 15 लोगों को हवालात के पीछे पहुंचा दिया। जी हां, बात कर रहे हैं बीते गुरुवार को नई गढ़ी के खटखरी गांव में हुए दोहरे हत्याकांड की। जिले के नई गढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले खटखरी गांव में हुए दोहरे हत्याकांड में 2 महिलाओं सहित 12 हत्या के आरोपियों के साथ 3 बालकों को भी पकड़ा गया है। कुल मिला के 15 लोगों को नई गढ़ी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हत्या से जुड़े सभी आरोपियों को नई गढ़ी थाना पुलिस विभिन्न न्यायालयों में पेश कर चुकी है। हम आपको बता दें, गुरुवार की सुबह केवल 100 रुपए के आपसी विवाद में 2 परिवार के लोगों के बीच कुछ इस तरीके से विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें उपचार के दौरान दोनों पक्षों के एक एक व्यक्तियों की मौत हो गई थी। नई गढ़ी थाना पुलिस ने एक पक्ष से 7 तो दूसरे पक्ष से 8 व्यक्तियों को आरोपी बनाया है। एक अन्य मामले में नई गढ़ी में ही आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना नई गढ़ी थाना क्षेत्र के बहेरा नानकपुर गांव की है, जहां पर सुबह 11 बजे आम के फेलों की रखवाली करने वाला युवक जब बारिश होने लगी तो पेड़ के नीचे चला गया। उसी पेड़ पर बिजली गिरी, जिससे उस युवक की मौत हो गई। इंद्रलाल कोरी एवं मुलक साथ कोरी की हत्या हो गई थी, जिसमें 15 आरोपी नामजद थे। उनमें से 3 बाल अपचारी, 2 महिला आरोपी एवं 10 पुरुष वयस्क आरोपी कुल 15 की संख्या में गिरफ्तार हुए हैं आज, जिन्हें आज न्यायिक अभिरक्षा में ले सकते। अभी आप देख रहे थे नई गढ़ी से राजेंद्र प्यासी की यह रिपोर्ट। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। अनलॉक 2 के दूसरे चरण में अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।